पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, आजाद भारत की सबसे बड़ी कार्यवाही। सीएम योगी ने कहा, यूपी में 16 अगस्त से अधिक क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, बंद रहेंगे प्राथमिक विद्यालय। टीएमसी के वकील और राज्यसभा सांसद का हाईकोर्ट के जज से मिलने का आरोप, बीजेपी ने मांगा ममता से जवाब। चुनाव के पहले बीजेपी में गए एमपी सुनील मंडल ने बदला पाला, कहा मैं तो टीएमसी का ही सांसद हूँ और रहूंगा। बेगूसराय में गर्जे उपेंद्र कुशवाहा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सीएम नीतीश कुमार को 5 साल से पहले हटा दे। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज के जिले ब्रजमनगंज नगर पंचायत के थानी चौराहे पर स्थित सिद्धि विनायक ज्वेलर संजय वर्मा के यहां पल्सर मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने अचानक घर में घुसकर लूटपाट शुरू कर दी। बताते चलें, जानकारी के अनुसार दुकान मालिक संजय वर्मा के यहाँ लगभग 10 बजे सुबह एक पल्सर गाड़ी से दो व्यक्ति घुसे और कुछ देर में जेवरात लूटकर भागने लगे। दुकानदार के शोर करने के बाद अगल बगल के लोगों ने चोरों को दौड़ा लिया, जिसमें से एक चोर को पकड़कर पिटाई कर दी, परंतु दूसरा पल्सर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस जांच पड़ताल कर विधिक कार्रवाई कर रही है। आया सबसे पहले उनसे चांदी का सामान मांगा है, चांदी का लॉकेट हमने उसे दिखाया है, उसका पेमेंट उसने कर दिया और उसके बाद सामान उसके पास था। उसके बाद उन्होंने सोने का सामान दिखाई है, कोई भी 5-10 हज़ार तक उसको देना था। उसके बाद मैंने सोने का सामान जैसे खोला डिब्बे को और डिब्बे में दोनों लोग हाथ डालने लगे हैं, मैंने मना किया लेकिन उन्होंने माना नहीं। और जैसे जब मैंने अपने छोटे वाले भाई बुलाया तब तक उन लोग तुरंत भागने लगे वहाँ से। फिर उसके बाद फिर एक पैकेट लोग एक सामान पैकेट एक लेकर भाग चुके थे। कितने लोग थे? दो लोग। दो में कितने गिरफ्तार आप लोग के पकड़ में आए? दो में एक लोग पकड़ में। गाड़ी नंबर बता सकते हैं? गाड़ी नहीं पता, पल्सर वहाँ खड़ा था। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने महिला थाना सहित स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक का अचानक निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए गए। एटीएम में सीसीटीवी कैमरे को भी सही करवाने को कहा गया। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज में सोमवार के दिन छुट्टी के बाद बैंक खुलने के दृष्टिकोण से सीओ फरेंदा सुनील दत्त दुबे के नेतृत्व में सर्किल फरेंदा के सभी थानों में सतर्क चेकिंग व गलियों में पैदल गश्त किया गया। बैंकों में ड्यूटी पर आराम फरमा रहे पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी गई तथा उनको बिना नंबर प्लेट दूसरे जनपदों की गाड़ियों पर सवार तेज गति से भागने वाली गाड़ियों पर हेलमेट लगाए संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई। पेट्रोल पंप तथा जनसेवा केंद्रों के पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया। कई दिन के बाद बैंक खुली है छुट्टी के बाद, और बैंक खुलने पर अक्सर लोग जो है पैसा जमा करने जाते हैं। कभी कभी बैंक में जाते समय या बैंकों से लौटते समय अपराधी सक्रिय रहते हैं। तो आज एक विशेष अभियान के तहत छोटी छोटी गलियों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बैंक के रास्तों पर पैदल गश्त किया गया। बैंक में जो कर्मचारी ड्यूटी लगे थे उनको ब्रीफ किया गया कि जो बिना नंबर की गाड़ी है अथवा दूसरे जनपदों की गाड़ियां, तेज गति से चलने वाली गाड़ियां तथा हेलमेट लगाए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। खबर है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। हमीरपुर में तेज आंधी व पानी से गिरा कार के ऊपर पेड़, बाल बाल बच्चे कार में सवार 4 लोग, आसपास मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित कार से निकाला बाहर। कई दिनों से हो रहा तेज आंधी के साथ पानी, सदर कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड के पास का है मामला। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टूंडला से। टूंडला में एलएस रिपोर्ट पर लोकदल द्वारा हुआ बूथ स्तरीय सम्मेलन, वहीं लोकदल के प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव का लोकदल के पदाधिकारियों ने माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं सचिव जी ने बताया कि जब तक बूथ पर यूथ की पकड़ नहीं होगी तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए आज सभी बूथों पर पकड़ करनी है और आगामी चुनाव में सरकार बननी है और आम जनता की सभी परेशानियों को हमारी सरकार हल करेगी। आज टूंडला में सभी से मिलकर बड़ी खुशी हुई और सभी पदाधिकारियों नेताओं का स्वागत माला पगड़ी पहना कर किया गया और लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय लोकदल एक नई शुरुआत की है। हर जनपद पर हम जिलाध्यक्ष के साथ साथ जिला संयोजक का पद नियुक्त किए। वो जिला संयोजक के माध्यम से हम बूथ लेवल पर
जो हमारा बूथ है उसका ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ने सोचा है कि जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा, जब तक बूथ पर बूथ की पकड़ नहीं होगी, तब तक चुनावी राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। इसलिए हमने नया कार्यक्रम किया, राष्ट्रीय संयोजक का पद के साथ साथ जिला संयोजक के जो पद सृजित किए हैं उनके कार्यों का एक वर्णन हमको यहाँ आज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में करना है कि जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय जिला संयोजक ये दोनों पद महत्वपूर्ण हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा नगर निगम में हुए 22 करोड़ के कूड़ा घोटाले पर प्रदर्शन हुआ है। प्रसपा लोहिया वाहिनी ने घोटाले और शहर में जल भराव सहित विकास का कोने पर हुआ है प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में प्रसपा नेताओं ने नगर निगम को घेरा है। वहीं प्रसपा लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 15 दिनों में कूड़ा घोटाले की जाँच और विकास को योजना बनाने की दी चेतावनी। झूठ के सहारे मेयर कर रहे नवीन आगरा और स्मार्ट सिटी का प्रचार। नवीन आगरा और स्मार्ट सिटी नहीं, पुराना क्लीन आगरा ग्रीन आगरा वापस दिलाने की मांग की। आपके पीछे खर्च करा हुआ है, आपको जनता को पसंद है क्योंकि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।